प्राचीन भारत में वैसे तो कई खतरनाक, रहस्यमयी और रोमांचक मार्ग या रास्ते रहे हैं जो आज भी हैं, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं ऐसे रहस्यमयी मार्गों के बारे में जिनका संबंध प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और जो प्राचीन भारत के रहस्यमयी मार्ग हैं। आपको बता दें, प्राचीन काल में आज भी तरह या मध्यकाल की तरह सड़कें नहीं होती थी, पैदल चलने से पंगडियां बन जाती थी, तो दूरी से और हाथी घोड़े के आवागमन से एक रास्ता बनता जाता था। लेकिन आरंभ में जंगल घने और खतरनाक होते थे। जंगल में एक से बढ़कर एक खतरनाक हिंसक जानवर होते थे। उनसे बचने के लिए मनुष्य ऐसे रास्ते अपनाता था जो कि सुरक्षित होते थे, जो शॉर्टकट होते थे। उसमें से कई रास्ते जोखिम भरे भी होते थे। आम तौर पर पहाड़ों को खोदकर सुरंग बनाई जाती थी, लेकिन भूमि के भीतर भी कई सुरंगें होती थी। इनमें से कुछ तो प्राकृतिक रूप से बनी हुई हैं। ये सुरंगें प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे बहने वाले पानी की धारा से बनी है, जिसका उपयोग बाद में मनुष्य ने एक जगह से दूरी जगह तक जाने के लिए किया। दुनिया में ऐसी अनेक छोटी बड़ी सुरंगें हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। आपको बता दें, सबसे पहले चुनारगढ़ की सुरंग के बारे में। चुनारगढ़ का किला भारत की ऐतिहासिक विरासत है। माना जाता है कि ये किला लगभग 5000 वर्षों से विद्यमान है। हालांकि इसका बीच बीच में जीर्णोद्धार होता रहता है। इस काल में महाभारत काल के सम्राट काल्यवंत संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य और सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान से लेकर सम्राट अकबर शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया है। वेब दुनिया के रिसर्च के अनुसार चुनारगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में इस पहाड़ी पर सम्राट काल्यवंत का कारागार जेल था। वहीं अब बात करते हैं रोम से जियान तक। ये रोड तकरीबन 2000 साल पहले एशिया और यूरोप के बीच बिजनेस और कल्चर एक्सचेंज का माध्यम था। ये मार्ग चीन के जियान शहर को रोम से जोड़ता था। दरअसल पुराने समय में चीन, भारत और पश्चिमी देशों के बीच रेशम का व्यापार हुआ करता था। जियान से रोम या रोम से जियान लोग दो रास्तों से जाते थे। इसमें एक रास्ता तो हिंदूकुश के दरों से सीधे चीन जाने वाला रास्ता था, तो दूसरा रास्ता भारत में होकर सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर चीन जाता था। हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर नाथुला दर्रे तक बहुत सारे मठ मिले जाएंगे। तिब्बत और अफगानिस्तान उस दौर में धर्म का गढ़ बन गया था। हिंदू कुश में दर्रों की भरमार है। यहाँ पहाड़ियों के बीच से कई सुगम और दुर्गम रास्ते हैं, इसलिए ये क्षेत्र पश्चिमी लोगों के लिए द्वार बन गया है। हिंदू कुश पर्वत 800 से ज्यादा किलोमीटर तक तो लंबी में फैला है और 200 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। आपको बता दें, इस मार्ग का इस्तेमाल आज भी होता है। ऐसी ही रहस्यमय खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।